हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस प्ले का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मनमायल, और आज हम मनमायल की 18th और 19th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। ओह माय गॉड, मुझे ये प्ले इतना स्टूपिड लगना शुरू हो गया है। एंड आई सॉ ऑन ट्विटर एंड आई सॉ ऑन सोशल मीडिया, आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु थिंक्स दिस वे, देयर आर सो मेनी पीपल हु एग्री विद मी। कितने स्टूपिड लोग हैं इस प्ले में, क्या हो गया इस प्ले को? मैंने तो अच्छा भला शौक से शुरू किया था, ये इतना बुरा कैसे हो गया? हाउ, व्हाट काइंड ऑफ डिलूजनल थिंकिंग वॉज द राइटर गोइंग थ्रू व्हेन शी रोट दिस प्ले? कौन करता है ऐसा दुनिया में? ऐसा कहां होता है और इतना स्टूपिड कोई कैसे हो सकता है? यूजुअली इस तरह की जो बेवकूफ या कम उम्र लड़कियां दिखाते हैं उनको ज्यादातर यही होता है कि फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा होता है दैट दे आर नॉट एबल टू थिंक फॉर देमसेल्फ। और एक रीजन उन्होंने दिखाया है जी कि वो इसलिए अपने उस घर में रहना चाहती हैं बिकॉज देयर डैड हर डैड इन लॉज वांटेड हर टू स्टे देयर एंड समहाउ रिफॉर्म मिकाइल। आई डोंट इवन थिंक दैट्स फंक्शनली पॉसिबल। लाइक हाउ कैन यू इवन फंक्शनली लिव विद समबडी हु डजंट इवन केयर इफ यू लिव और डाई? बहुत स्टूपिड ड्रामा हो चुका है। मोस्ट स्टूपिड पर्सन अवार्ड किसको देना चाहिए? हमारे नॉमिनेशंस हैं, नंबर वन मिकाइल। मिकाइल को स्टूपिड पर्सन अवार्ड दें या जाहिल पर्सन अवार्ड दें, कौन करता है ऐसा? मैं इस घर को बंद करके कसीनो बनाऊंगा जी। हमारा अगला अवार्ड है द मोस्ट बैड जजमेंट मेकर अवार्ड, एंड आई थिंक इसमें जो हमारे विनर हैं वो सल्लू हैं, क्योंकि वो वन डिसीजन आफ्टर अनदर वो बैड डिसीजन होता है उनका। अपनी जिंदगी में उनका अपना कोई काम नहीं है, वो सपोजिटली एक कारोबार चला रहे हैं जिसमें टोटल मेरे ख्याल से 4 या 5 लोग हैं जो उस कारोबार का हिस्सा है। एंड देन देयर इज दिस वियर्ड लेडी, आई मीन हम आते हैं जीना के लिए एक बहुत टोटली सेपरेट अवार्ड है जिसकी तरफ हम आ रहे हैं। इनका जो ये कारोबार है इसमें इनको किसी काम की अटेंशन की जरूरत नहीं है कि मतलब वो इतना, अगर आई थिंक एक नॉर्मल जिंदगी वाले भी लोग जिनके बीवी बच्चे और जिनकी जिम्मेदारियां खानदान की अम्मी अबू वगैरह की होती हैं, अगर वो लोग भी इतना टाइम अपने बिजनेस को छोड़ के अपने घर में देना शुरू कर दें और पूरी पूरी अपने दिमाग और सोचें अपने घर में इन्वेस्ट कर दें इस तरह, तो मेरे ख्याल से उनके बिजनेस नहीं चल सकते, एटलीस्ट इतनी सक्सेसफुली नहीं चल सकते। मुनाफा भी हो रहा है, कमा भी रहे हैं, जबरदस्त जिंदगी चल रही है, एंड द सेम टाइम एक साइकोटिक ऑब्सेशन भी चल रहा है। सो यू नो, व्हाट्स योर बिजनेस प्लान सल्लू? हाउ आर यू मैनेजिंग टू डू दिस? प्लीज शेयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ताकि वो लोग भी कोई साइकोटिक ऑब्सेशन पाल लें और साथ साथ अपना बिजनेस भी चलाते रहे। स्पीकिंग ऑफ साइकोटिक, हमारा सबसे साइकोटिक पर्सन अवार्ड जाता है जीना को। जीना जो है माशाल्लाह उनकी इतनी स्क्रूड अप रियलिटी है कि टायर की हवा निकालने से लेके एक एक्स वाई जेड बंदे का फोन उठाना और फिर उनसे किसी और बंदे की बीवी बन के बात करना, आई मीन कुकू, सीरियसली, आई मीन हु डज दैट? एंड ओ माय गॉड, आई हेट इट व्हेन दीज वीमेन यू नो चेंज देयर पर्सनैलिटीज, दे चेंज हु दे आर, दे चेंज एवरीथिंग अबाउट देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू जस्ट सेटिस्फाई द मेन इन देयर लाइव्स। आई मीन ठीक है, आई नो यू नो यूर सो साइकोटिक एंड एवरीथिंग, बट लाइक क्यों आप वो शलवार कमीज पहन रही हैं और वो कानों में आपने झुमके लगा लिए हैं, एंड देन यू आर लाइक टॉकिंग लाइक मैं आपका खाना पकाती हूँ, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर दूँ, मुझे दूसरों के कपड़े अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई और आपके कपड़े इस्त्री करे। और बैड जजमेंट तो सल्लू इसमें मास्टर हैं, तो ऑब्वियसली बिकॉज ही इज वन द बैड जजमेंट अवार्ड ही इज क्लियरली गोइंग टू बी ऑल चमी विद दिस गर्ल हु इज साइकोटिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट स्टूपिड पर्सन अवार्ड इन दिस इंटायर प्ले गोज टू मन्नू एके मनाहिल, जिन्होंने मेरे ख्याल से कसम खाई हुई है, ठानी हुई है कि हमेशा वो डिसीजन लेना है, हमेशा वो काम करना है जिसमें अपना सबसे ज्यादा नुकसान हो। पहले उनको एक ऐसे आदमी से मोहब्बत हो गई जो उनके किसी तरह इक्वल नहीं था, बट मोहब्बत थी, चलो जायज थी, आप यंग थे, दैट पर्सन सपोजिटली केयर्ड अबाउट यू, actually not really, that person was like really rude to her all the time, but okay, you fell in love with that person and then that person didn't marry you, but instead of convincing or trying to wait it out with your parents or trying to battle it out properly, what you decided to do was that you decided to marry the next stupid person that came in your life. How's that working out for you? Kaisa chal raha hai ab jo aapne ye stupid decision le liya hai, and how is that affecting you? I am at a loss for words as to how silly this drama has become. कितने नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स हैं जो आप परपेचुएट कर रहे हैं इस ड्रामे में, और कितने बुरे लेसन्स हैं इस ड्रामे में जो हमने अपने बच्चों को दिए हैं, अपने टीनेजर्स को दिए हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट टीनेजर्स आर द वंस हु आर रियली रियली सेइंग कि व्हाट इन द हेल इज गोइंग ऑन हियर, बट आई एम श्योर देयर मेनी टीनेजर्स हु आर जस्ट लैपिंग दिस अप एंड दे जस्ट लव ऑल द क्रेजीनेस इन दिस ड्रामा, बिकॉज वो टीवी पे जो भी अच्छी चीज और जितने भी प्रिटी फेसेस, जो भी चीजें, जो भी मंजन सेल कर देते हैं हम जल्दी से ले लेते हैं, एंड यू नो किड्स एंड टीनेजर्स आर इंप्रेशनेबल लाइक दैट। ड्रामा लिखने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज इसके बारे में कोई डिस्क्लेमर तो शाया करें कि आपने क्यों इतना कोई रिग्रेसिव किस्म का ड्रामा बनाया है, और इसका कोई सीक्वल ही बना दें जिसमें एवरीवन मैजिकली डिसाइड्स टू हैव सम कॉमन सेंस। व्हाट आर यू गाइस वाचिंग? आर देयर एनी गुड प्लेस गोइंग ऑन? सो लेट मी नो। टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग, क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।